God. And bye bye. No more war, no more war. Guys, join India and I love you. Guys, as bahut din ho gaya, as 7 days ho gaya, war between Israel and Hamas ka. Hamas ko koi bhi support nahi karta hai, koi bhi, because Hamas is a terrorist. Ye aadmi log bolta hai, koi koi log bolta hai war between Israel and Palestine. No. It is war between Israel and Hamas. Hamas terrorists ka saath mein jang kar raha hai, ladai kar raha hai. Din raat aap TV khulo to bhi kahi bhi karo, aap wahi war ka dhum dhum pata hai. Abhi dekho. Origin of Israel and origin of Palestine, ये सब origin of ये Hamas, ये सब में हम नहीं जाएगा. आप लोग Google में भी सर्च कर सकता है, बढ़िया बढ़िया अभी तो और भी डिटेल्स आपको दिखाई देगा. सब YouTube बना रहे हैं, तो मैं भी ऐसा छोटा मोटा चुटकू सा यूट्यूबर, हम भी थोड़ा सा हमास का इसराइल का बारे में थोड़ा बना वीडियो बना रहा है. वार बिटवीन इसराइल एंड हमास का बारे में मैं थोड़ा सा ह्यूमैनिटी का बारे में बोलना चाहती हूँ. ऐसे छोटा मोटा यूट्यूबर क्यों बोलने से, आप देखिए हमास ने फास्ट ये इसराइल का ऊपर में 7000 मिसाइल ये क्या फेंका है. एंड इसराइल लोगों ने और बाहर विदेश से भी आके विजिट करके उधर में अपना फेस्टिवल को एंजॉय कर रहा था. उधर में तो एंजॉय कर रहा था, उसमें घुस के अंडरग्राउंड फायर किया है. तो अंडरग्राउंड फायर किया है, किडनेप किया है, बच्चों को मारा, औरत को रेप किया है, यह सब किया है. तो ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग. इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, हमास को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा. तो कोई कोई लोग बोलता है वार बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन, यह तुम बहुत गलती है, गलत बोल रहा है आदमी लोग, गलत बोल रहा है. यह वार बिटवीन इसराइल एंड हमास, हमास का कारनामा का कारण से इसराइल ने फेंका है 6000 मिसाइल फेंका है, 6600 गजा पट्टी का हमास का ऊपर में. तो अभी क्या होगा, इतना मिसाइल आप इमेजिन करके देखिए 7600 इधर फेंकता है और उधर फेंकता है. तो कैजुअलिटी कौन होता है, आम आदमी मरता है, कौन इनोसेंट लोग किसको, जिन्होंने ये क्या एंजॉय कर रहा था अपना फेस्टिवल में, इनोसेंट जो बच्चा औरत है वो है इनोसेंट को अंडरग्राउंड फायरिंग करता है उस वो टेररिस्ट को तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही. मैं तो बिल्कुल वार को पसंद नहीं है. कुछ दिन पहले रशिया एंड यूक्रेन, उसमें भी वार. दुनिया क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. वार ही वार करने के लिए सब लोग करते रहता है, बट ये हमास का आतंकवादी को कोई भी सपोर्ट नहीं करना है. ये मेरा तरफ से भी रिक्वेस्ट है. आतंकवादी इस आतंकवादी, वो किसी का अपना नहीं होता है. वो किसी को मिलेगा, कहीं भी किसी को देखेगा, वो अंडरग्राउंड फायर करता है. दिस इज रॉन्ग सपोर्ट एंड थोड़ा सा ह्यूमैनिटी. कोई किसी ने सोचता है तो कोई भी हमास टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करेगा. इतना बच्चा को या बोलो मत, हम बोलने का भी दिल नहीं लगता है. आप लोग सब लोग न्यूज़ में तो देख ही रहा है. और एक क्वेश्चन, इस डियर नॉर्थ पीपल इन इसराइल, तो ऐसे बोलने से यस, हम लोग का तो नॉर्थ का 20 नंबर्स उधर में इसराइल में है. उन लोग को भी शिलोंग का नॉर्थ का उन लोग भी सेफली वापस आना है अपना इंडिया में, अपना देश में. एंड नॉर्थ में सही सलामत शिलोंग पहुंच जाना है. और एक बेबीलोन, जो बेबीलोन में गया है वो शिलोंग का अलग, शिलोंग बेबीलोन नॉर्थ का आदमी लोग बेबीलोन में जाते रहता है. ये कुछ दिन पहले हम मेरा जान पहचान नहीं, 5 आदमी गया था बेबीलोन में, वो पवित्र जगह है बोल के. उधर में सबका विश होता है उधर में जाने के लिए, बेबीलोन को एक बार देखेगा बोल के ना विश होता है.
तो 20 पीपल हम लोग का श्रीलंका आदमी लोग उधर में है, उन लोग को एकदम गॉड से प्रे है आप लोग सही सलामत अपना देश वापस आ जाना है। कुछ दिन पहले हम लोग का यहाँ का मेरा जान पैसा नहीं, पास तो अप्रैल ना ऐसे को जनवरी ऐसे को गया था बेबीलोन में ना, थैंक गॉड उन लोग ये वार का बीच में नहीं गया है, उन लोग जनवरी ऐसे को गया था उन लोग बेबीलोन को विजिट करने के लिए। अभी हमास का जगह में देखो, हमास को अटैक करने का जगह में फिलिस्तीन लोग भी डेड हो रहा है, कैजुअलिटी हो रहा है, और इसराइल का तो हो ही रहा है, बट फिलिस्तीन हो इसराइल हो इंसान तो है ना, इंसान है, आदमी है, ह्यूमन है, तो क्यों कैजुअलिटी उन लोग के एक टेररिस्ट का वजह से इधर भी डेड हो रहा है, इधर भी डेड हो रहा है। ओह माय गॉड क्या बोलेगा, इंसान है, कोई भी कुछ भी धर्म का हो वो तो इंसान है ना, उसी का तब से बहुत दिल दर्द रहता है। आज 7 डेज हो गया और कितना तक जंग लड़ेगा कुछ पता नहीं, सब लोग सेफ रहे यही हुए से सब लोग मतलब हंसी खुशी जिंदगी जिए हुई हुई से। अभी मॉडर्न इरा में भी ऐसे वार करते रहेगा तो क्या जिंदगी जिएगा आदमी का, 80 60 70 आदमी का, एक इंसान का 60 70 का ही ईयर्स होता है आजकल का ज़माना में, तो उतना को भी पीसफुल रहने नहीं सकता है, क्या बोलेगा। ओह माय गॉड एंड बाय बाय, नो मोर वार, नो मोर वार।